जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सिंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की बिल्कुल बच चुकी है और आज ही लास्ट दिन बोल सकते हैं अपन। अपन इस क्षेत्र में आए हैं गंजपाड़ा के गोकुल होटल, जो बहुत फेमस है यहाँ पर गंजपाड़ा में। और यहाँ के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राजेंद्र साहू जी, वो इन्हीं गंजपाड़ा से आते हैं और यहाँ के जमीनी स्तर में उनका वार्तालाप है, अच्छा भाईचारा है। और पहले भी जो राजेंद्र साहू जी है निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे यहाँ से मटका छाप में। उस समय हम लोग ने ये भी देखे थे कि भारतीय जनता पार्टी की चैन नींद उड़ चुकी थी और यहीं से विजय बघेल जी है, वो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार चुने गए हैं। और लोगों के बीच में हम आए हुए हैं, उन लोग से उनका विचार जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी मतदान के लिए किसे चुनते हैं और देश हित, महंगाई, बेरोजगारी के लोग क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले भैया जी, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। डोमन साहू। तो जोर से बोले भैया। डोमन साहू। अभी कौन से वैसे हो आप, जैसे भी कहाँ से हो आप? मैं ही आदर्श नगर। आदर्श नगर। अभी लोकसभा चुनाव कुछ ही दिन बचे बोल सकते हैं, आज ही लास्ट दिन है, कल तो मतदान है। तो आप क्या देखते हैं भैया जैसे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर वही है जो अपना विकास अभी कर रहा है, देश को जिस ऊंचाई पे मोदी जी लेके गए हैं, अच्छा, उसके हिसाब से हम तो भाजपा को ही वोट करेंगे। तो महंगाई बेरोजगारी भी तो चरम सीमा पर है, वो सब चीज है उसमें। हाँ। महंगाई कब कम हुआ है? अच्छा, अभी तो 60 साल तक तो राज किया कांग्रेस ने। हाँ। 60 साल में महंगाई कम तो नहीं कर दी है वो। अच्छा, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कह रही है भी अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे बोल रहे हैं। वो 5,000 का तो बोला था, 500 रुपए वाला, वो तो दे नहीं पाया, तो 1 लाख कहाँ से ला के देगा। अच्छा, साहू कैंप वन। अच्छा, साहू मकेबी में बादशाह जी। संरक्षक हूँ मैं साहू समाज का, है ना। हाँ। कहा रहो आप मना? संरक्षक पद। संरक्षक। अभी जैसे बात चला थे कि साहू समाज है एक हो गए बोलते है ना, तो कहा देखा तो जैसे नहीं साहू समाज एक तो नहीं हो है, लेकिन साहू समाज के झुकाव साउथ तरफ है। अगर साहू समाज को इस बार नहीं जुटा पाया तो साउथ समाज को टिकट मिलना भी मुश्किल है। अच्छा। हाँ। लेकिन ये भी बाद में सुने हो गांव डहर गेर होता कि जब साहू समाज जो ईश्वर साहू बोलते हो लेकर जब मारे रही से। हाँ। तो साहू समाज मन कहाँ चले गए जी? साहू समाज मतलब बहुत होकर ये करें जी, बहुत मतलब होकर आंदोलन भी करें ना, वो दिवाए भी हन। अच्छा। और टिकट भी मिले से चुनाव भी लड़ गए, ओकर बाद में भूल भी गए ईश्वर। अच्छा। हाँ। भूल गए। हाँ। तो ये तरीके तुम जो मतलब जो बोलते वोट के दायरा जो हवा झोंका कौन डहर जावा थे वो देखो। हाँ। समाज जेकर लिए लड़ते, समाज के आदमी खड़े रहते तेकर लिए समाज लड़ते, आज समाज ओकरे नाम से बने हैं। हाँ, हाँ। लेकिन समाज ला जियाओ चुनाव जीते एक बाद में समाज को भूल जाता है, ये बहुत बड़ी रणनीति है। अच्छा। और हाँ। ये समाज को नहीं भूलना चाहिए, सभी लोग को समाज के प्रति जागरूकता रहना चाहिए। हाँ, हाँ। और समाज में अगर मतलब अगर आ जाता है राजेंद्र साहू। हाँ। तो राजेंद्र साहू पीछे तो नहीं हटेगा, ये मेरा कहना है। आगे ही आएगा। हाँ। और सभी के सामने जाएगा। तो इधर ही बढ़ते महंगाई है, बेरोजगारी है, देश के विकास के बात है, तो आप मतलब कुछ उसे नजर आते नहीं आते? हाँ आतेगा, खबर के अभी कांग्रेस के शासन से कम से कम बेरोजगार मतलब 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिला थे, वो बंद कर दिए से तो मतलब भाजपा सरकार है। हाँ, हाँ, हाँ। अब कम से कम मतलब वो भत्ता में मतलब कुछ नहीं तो मतलब पढ़े बढ़ करते से या काफी पुस्तक या कुछ भी अपन मतलब बेरोजगारी भत्ता में मतलब एक रहते वो तो बंद कर दी ना। अब विष्णु देसाई जो 1000 रुपए देवे थे महतारी योजना वाले, वो हर आज में नहीं मिले थे भाई। वो हाँ नहीं मतलब मोरे श्रीमती अभी तक नहीं मिले, मैं कैसे बोलूँ काबर नहीं मिला थे? कुछ कमी तो हुई? कोई कमी नहीं, मैं मतलब बैंक में भी चले गया हूं, मतलब सभी जगह जाके चल रहा हूं, मतलब पैसा कहां बनी आते ऐसे बात है। हाँ। अच्छा, तो चलो इधर भाई हमारे यार चंदन चुरा वाले भाई, भाई आपके नाम का है जी? कढ़ी बने। अच्छा, तो कढ़ी कौन डहर जाते जी? कुछ पेट में जा रहा है। पेट में जा रहा है। अच्छा चलो, तो अभी कुछ ही दिन नहीं पूछ सकूं, कल चुनाव है तो आप मन का देखा तो भैया? बीजेपी दिख रहा है अपन को। बीजेपी का पर जैसे भरोसा है मोदी को? नहीं तो मोदी भरोसा समझ गया मैं। हाँ, ऐसे कुछ काम का है कुछ देखे रहो अपन, कुछ काम होगा, क्या काम हो है अगर? काम तो बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि पूरा सुविधा दे रहे हैं हर प्रकार का। हाँ, जैसे वही तो पूछ रहा हूँ भैया, जैसे कि कुछ क्या सुविधा दे रहे हैं? क्या बताऊँ, मतलब गरीब लोग को घर वर बना के दिया है। हाँ, हाँ। और अनाज वनाज का भी कुछ। अच्छा, मतलब मदद ही कर रहे हैं हर आदमी, तारीफ ही करता उनका। राजेंद्र साहू भी तो दमदार नेता जी, इसे गंजपाड़ा को कर रहे अरे दमदार लीडर। अच्छा। है, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो का नाम सुने भी नहीं सुने राजेंद्र साहू के? हाँ, पहचान वाले। पहचान वाले हरे। हाँ। तब बोले कुछ पहचान काम नहीं आता अभी? नहीं, अब क्या बोलेंगे अपन को, तो बीजेपी दिख रहा है। बीजेपी दिख रहा है। चलो भाई जान, एक सवाल जो आपका बहुत थोड़ा से का खा दो जी, समोसा की बड़ा आलू गुंडा तो आलू गुंडा खा दो भैया, अभी आज बसे हुए कल चुनाव है। आप मन का देखा दो जी, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है,
और महंगाई तो साफ नजर आ रही है भाई। हाँ। बेरोजगारी भी साफ नजर आ रही है। अच्छा तो कौन ढाल जाते हैं बाबा के जैसे? वो वोट तो अपना हक है, वो जिसको डाले। हाँ 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 उसमें मैं बोल नहीं सकता। जी जी तो महंगाई अपन जैसे महंगाई बोलवो तो जैसे आप पहली महंगाई आप क्या अंतर लगाते जैसे महंगाई के बाद जैसे बात चले जाते कांग्रेस से नारा है अगर हमारी सरकार बनते तो 1 लाख रुपये महिलाओं दे बोल कहा थे। अब वो देगा नहीं देगा उसकी बात की बात है वो। हाँ हाँ अपने को पकड़ के थोड़ी चलना है कि वो 1 लाख देगा। हाँ हाँ अपने को जिसको वोट डालना है उसको ही डालने का। प्रधानमंत्री लेके आप मन का उम्मीद सोचो जैसे बीजेपी का नारा है अब के बार 400 पार प्रधानमंत्री जैसे राहुल गांधी बना बोल कहा थे तो क्या उम्मीद रखते हो आप मन है? क्या उम्मीद रखेंगे अपने गाँव का तो चुनाव हो गया। हाँ राजन गांव का चुनाव हो गया अब दुर्ग वाले दुर्ग का बताएंगे किसको देना है किसको नहीं देना है। ऐसे बात है भाई चलो ठीक है हमारे भैया पैकिंग करा थे भाई मन का देखा जी इतना महंगाई बढ़ गई है ना गैस सिलेंडर के दाम अतिक बढ़ गए आप मन का समझो तो एक मन पली बता पली समोसा रेट का रही पहली 20 रुपया पहली का रही पहली 15 रुपया रही ओकर पहली ओकर पहले 10 रुपया रही ओकर पहली ओकर पहले 5 रुपया रही 5 रुपये अब 20 रुपये हो गए 20 रुपये हो गए तब का समझो महंगाई पे महंगाई में कहा सोच भाई महंगाई चल बढ़ते छे महंगाई है बढ़ते छे कमी नहीं होते कमी नहीं होते तो आप मन के भी कल चुनाव ना वोट दे बाजार हो तो क्या देखते थे अपन वोट डालो इसे मन लो बस भाई नरेंद्र मोदी हैं नरेंद्र मोदी आई नरेंद्र मोदी है कारण महंगाई बढ़ गई पहले 5 रुपये रही थे अब 20 रुपये हो गए और बढ़ी महंगाई है और बढ़ी समोसा रेट और बढ़ी तो फिर मोदी देव मोदी देना तो का चीज बताबो मोदी वाह मोदी देना है भैया का चीज भाई कुछ बताबे महंगाई 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 बढ़ गई तो फिर मोदी देव मोदी देना है ऐसे बात है अच्छा है दुरुक से है भाई भाई तो आप मन का देखा कल चुनाव वोट डाले बजाबो तो आप मन का देखा थो बस कल का कल देखेंगे भैया कल का कल तो कुछ सोचे हो भैया जी क्या सोचे हो क्या सोचेंगे वोट देना है बस वोट देना है तो कौन रहा दबाबो बिना जमा उठो दे दे जी वोट ला है नी बीजेपी काबर बीजेपी जैसे कहा था कुछ बताओ बस बीजेपी को देना है पिछले बार भी दिए थे इस बार भी देंगे अच्छा ये बात है काम अच्छा है अच्छा एक कनाथ भाई हमारे भाई मन है थोड़ा एक मन के जजा भी जाना बहुत जरूरी है ना इतने भाई मन लहसुन लहसुन प्याज व्याज छिला थे एक कर भाई मोटा देखो आओ आओ जी क्या नाम है जो है समारू यादव तो जोर से बोलना जी समारू यादव तो कौन गाँव खड़े से है यहीं से मिल पा लोट डाले पर जाबे तो कौन ढा जाते जी हवक झोंका है कौन डाले बताओ डालो तब बताओ अभी अभी पूछे पर आओ ना जी है दारू रेट एकदम बढ़ गए बोलते तब फिर क्या लगा माहौल है बोला जी फूल डाल लगा था उपाय फूल डाल लगा थे अरे हमारा दाई डहरा तो यार एक कन प्याज वाज छिला थे बढ़िया दाई राम राम जी राम राम अभी महतारी योजना पैसा आते नहीं आते जी आवाते आते हाँ तो कल चुनाव है कल हाँ बाबा तो कौन डाल जाते जी अरे ऊपर वाले बात है का ऊपर वाले हाँ समझियो ना तो बोले कोंडा भारी कोंडा पड़ा थे राजेश साहू की विजय बघेल हम कोई नहीं बता सका भैया हाँ ये पास है पलट जाते तक अच्छा जनता ऊपर है जनता ऊपर है हाँ दाई टोंडा का है अब वही बात मोरो है वही बात टोलो है मैं चलना चाहूंगा मेरा नाम कैप्टन नवीन सबरवाल है जी अभी आज ही बस बची है लोकसभा चुनाव को लेकर अभी लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ती महंगाई बेरोजगारी पेट्रोल का दाम तो आप देख रहे हैं देश का विकास आप क्या देखते हैं विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाँ। और महंगाई तो है ही है जी जी। और महंगाई गवर्नमेंट जरूर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी हाँ। करनी चाहिए विकास में आप ऐसा क्या देखे हैं जैसे कुछ तो बताएंगे विकास में इंडस्ट्री चलना चाहिए है विकास में रोड बनना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए जी जी। और जो बनाएगा उसके लिए जनता वोट करेगी अभी अभी आपकी एज क्या है जैसे मान लो मेरी एज 64 है 64 2014 के पहले प्रधानमंत्री और 2014 के बाद प्रधानमंत्री में क्या ऐसे कुछ आप डिफरेंस देखे काम होते हुए जैसे मान लो सब ने अपने टाइम पर अपना अपना काम किया मनमोहन सिंह साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो पूरा गवर्नमेंट पूरा देश उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे से बहुत आगे बढ़ा जी जी। और फिर प्रधानमंत्री बने उन्होंने कुछ अपने काम अच्छे किए ये गवर्नमेंट कुछ अपने काम अच्छे इनके काम में कुछ कार्यकाल में देखेंगे जो काम ऐसे हुआ है जो 2014 से पहले मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी के काल में आप देख लीजिए काफ़ी कुछ बढ़त भी हुई है और रोड बने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और थोड़ी बहुत महंगाई भी है लेकिन पेट्रोल के दाम भी देख लीजिए बड़े भी हैं हाँ, लेकिन वो पेट्रोल के दाम जो हम कीमत देते हैं अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है हाँ, और गवर्नमेंट उसे हमारा और आपका विकास करता है मैं शुभ नाम जाना चाहूँगा अंकल जी मेरा शुभ नाम मोहम्मद साबिर चौहान जी कल लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग है हाँ, तो इस बार आप क्या देखते हैं जैसे चुनाव को लेकर चुनाव
गांव में तो टक्कर दोनों की है, लेकिन आप देखो क्या होता है। नहीं फिर भी टक्कर है, अभी बढ़ती महंगाई देश को लेकर। वो महंगाई तो इतनी है कि मत पूछो, हालत खराब हो गई महंगाई के नाम से। अच्छा हाँ। और बाकी विकास को लेकर क्या बोलेंगे? विकास तो कुछ नहीं है, विकास कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, हम बातचीत कर लो। नमस्कार नमस्कार भैया, कल चुनाव है तो लोगों ने तो आप मन कहा देखा था भैया? अब मन नहीं देखा था भैया, जो अच्छा काम करा थे। अच्छा काम कौन करा थे जैसे कुछ बतावे? अभी कहा देखा था महंगाई बेरोजगारी? अब अमलना तो इसे कांग्रेस जमा थे भैया, कांग्रेस जमा थे। भाभी आपके नाम जाना चाहूँ जी? हाँ, चुनाव है ना कल, कल चुनाव है। अभी योजना पैसा पूछो नहीं पूछो तुम? हाँ, मिला थे ना। मिला थे? हाँ। सही मिले? कई बार मिल गए? तीन बार। तो अभी कल चुनाव है, अभी क्या सोचे हो मन में? से कमल ही जीतना चाहिए। कमल ही जीतना चाहिए? अंकल कांग्रेस कहा थे? अरे कमल जीतना चाहिए, काबर की हाँ। कोरोना में वही साथ दे है ना। अच्छा हाँ। ये बात है भे? हाँ, जो बुरी वक्त में साथ देते वही ना साथ देना चाहिए ना। ये बात है नहीं? हाँ। भाईजान आपका नाम जाना चाहूंगा जी मैं। हाँ कैसे, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सादिक खान है जी। आप क्या देखते हैं कल चुनाव है, कल इतना बड़ा? वो तो मोतीलाल जी आएंगे, क्या नाम से अपना मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों आएंगे? 400 पार बोले हैं उनने। तो 400 पार बोले हैं तो ऐसे थोड़ी 400 पार हो जाएगा? 400 पार बोल दिए मतलब हो जाएगा? नहीं, अभी तक जो जो बोले हैं वो सब चीज होते जा रहा है। क्या क्या हुआ है जैसे? मतलब महतारी योजना ये हो गया है। हाँ। मतलब कई चीजों का लाभ मिल गया उनको। अच्छा। लोगों को, आप लोगों को कुछ लाभ मिला है? हाँ, हमको भी लाभ मिला है। जैसे लोग बोलते हैं मुस्लिम समुदाय से हो है ना, भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करवाती है, आपको कुछ समझ में आता है ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ हमको तो समझ में नहीं आता ऐसा हिंदू मुस्लिम की बात जो चलती है। नहीं नहीं नहीं, बराबर है, यहाँ सारे धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ तो बात तो होगी, कुछ ना कुछ तो बात होगी, तो सारे लोग अपने अपने से बात करते रहते हैं। योजना का लाभ उठा रहे हैं तो कभी धर्म का लाभ उठा रहे हैं? नहीं नहीं, कोई धर्म का नहीं, सिर्फ देश के नाम से मालूम लाभ मिल जा रहा है और मोदी जी के नाम से मिल रहा है। अच्छा, आपका नाम जाना चाहूंगा? मैं हेमिन तेंदुलकर। खाने क्या हो गया? हेमिन तेंदुलकर। आप क्या देखते हो कल वोट डालने के लिए जाओगे नहीं जाओगे? कल वोट डालने जाऊंगी मैं। क्या देखते हो? वही देश का विकास और महंगाई तो बढ़ते जाएगा वैसे धीरे धीरे, लेकिन समय के हिसाब से वो भी ठीक हो जाए। अच्छा, वो भी ठीक है। तो कल क्या चुनते हैं किधर? भाजपा। भाजपा, अच्छा ये बात है।